पांच मिनट में एक बलून फूल रहा है इससे। गुड मॉर्निंग, 12th मई की सुबह है। बर्थडे बॉय भी अभी अभी उठे हैं। ये रहे एप्पल खा के बैठे हैं। लाड़ प्यार चल रहा है क्योंकि आज बर्थडे है तो स्पेशल वाला मिल रहा है। मैं भी उठी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, उठने का कोई मूड नहीं था। अभी मैं और 2 घंटे सो सकती हूँ पर उठ गई क्योंकि आज पूरा दिन एकदम जैम पैक्ड है। बहुत सारे काम है, कुछ गेस्ट भी आएंगे शाम को, डेकोरेशन भी है, पता नहीं क्या कैसे होगा लेकिन काम बहुत है। 11 बजने वाले हैं। मैंने सबसे पहले एक्वेरियम वाले भैया को बुला रखा है, मुझे एक्वेरियम अपना खाली कराना है क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। और उधर रूम में जहाँ एक्वेरियम है मेरा, दिख रहा होगा आपको शायद उस सामने, हो रहा वहाँ एसी वेसी नहीं है, पानी गर्म रहता है तो मेरी मदर का ये था कि जब मैंने एक्वेरियम रखा था जहाँ पहले हम रहते थे ना, वहाँ ठंडक रहती थी रूम्स में, यहाँ आके थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो गई है उस रूम में। तो मेरी मदर का था सर्दियों में रख लो, गर्मी में हटा देना। तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, वो आ नहीं रहे थे। आज उन्होंने बोला है कि वो आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक्वेरियम हटेगा, फिश जाएंगी, उसके बाद घर की साफ सफाई अरेंजमेंट्स वगैरह होंगे, उसके बाद फिर मार्केट जाया जाएगा। मार्केट के बहुत सारे काम हैं, वो सब करते हुए घर आऊँगी, फिर डेकोरेशन और फिर देखते हैं क्या कैसे होता है। फिलहाल तो नींद आ रही है, फिलहाल आज बर्थडे बॉय को नहलाना भी है, वो सबसे बड़ा काम। लेट्स सी कैसे होता है, कितना होता है, क्या क्या होता है। एक फोटो नहीं खिंचवा रहा, भाव का रहा है, काट रहा है। फोटो भी नहीं खिंचवा रहा, एक फोटो खिंचवा ले, बर्थडे की फेस्ट सेल्फी खिंचवा ले। A few inches later, और ये एक्वेरियम खाली हो रहा है। मैंने भैया को लगा कि सर्विस करनी है, पर जब मैंने कहा आप एक्वेरियम खाली कर दो, मछलियाँ ले जाओ, तो एक बार को तो इनको भी शौक लग गया। पर क्या करें ना, गर्मी इतनी है। मम्मी खाली एक्वेरियम को देख के शोक मना रही हैं, और जबकि यही थी, इन्होंने ही बोला था कि एक्वेरियम में से अब मछलियाँ निकलवा दो क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। बट वही है, कोई भी पेट रखो तो मन तो लगता नहीं है जब चले जाते हैं। तो एक्वेरियम में मछलियाँ क्यों ना हो, खाली हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, वो बात तो है। एक्वेरियम खाली हो चुका है, दुखद खबर, सूना सूना। और अब पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा आई विल कीप शेयरिंग, बने रहिए एंड तक। बर्गर किंग का ये है, क्या कहते हैं मम्मी से, शेकर। इसमें मैंने एक बार वो बर्गर की चॉकलेट ड्रिंक आती है वो ऑर्डर की थी, तो इसमें आया था। तब से कोल्ड कॉफी मेरी सी बनती है और कोल्ड कॉफी पीऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी एनर्जी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। कॉफी काफी अंदर जाएगा तभी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो कोल्ड कॉफी पीते हैं, गर्मी बहुत है। कोल्ड कॉफी बन के फ्रीजर में रख दी है मैंने, थोड़ी देर और वो चिल हो जाएगी। घर के काम तो हो जाएंगे यार, बाहर के कैसे करेंगे। अपने पास कोई व्हीकल ना हो ना तो बहुत प्रॉब्लम रहती है। कोई नहीं, बहुत जल्द गुड न्यूज़ आएगी। लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है, बेम्बी का बर्थडे है तो काम सारे करने हैं, आलस मारने से काम नहीं चलने वाला है। ये मैं अपने आप को पूरा सेंटेंस हर 5 मिनट बाद बोल रही हूँ कि बेम्बी का बर्थडे है, आलस नहीं मारना, बेम्बी का बर्थडे है, आलस नहीं मारना। कोई बात नहीं, देंगे साईं बाबा स्ट्रेंथ देंगे। आज थर्सडे के दिन उसका बर्थडे है, बाबा मेरे को स्ट्रेंथ देंगे, और ब्लेसिंग्स तो खैर बाबा की हैं ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, तो हो जाएगा।
और अब थोड़ा साफ़ सफाई का, ये बेड पे कपड़े फैले हुए थे, अलमारी ऑर्गेनाइज़ करनी थी, फिर क्लीनिंग करनी थी, तो झटपट फटाफट सब कुछ करके साफ़ सफाई मिलते हैं। सारी साफ़ सफाई 3 बजे जाके डन हुई है। इसके बाद मैं मार्केट गई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाने के लिए। जैसा दिखाया इसके बाल कट गए हैं, इसका नहाना बाद। अब मैं 4 बजने वाले हैं, 15 मिनट हैं। 4 बजे के आसपास मम्मी और मैं जाएंगे मार्केट, मेन मार्केट, केक वगैरह लेने, सारे स्नैक्स लेने, डिस्पोजल्स एक्स वाई जी सारी चीज़ें लेने। उसके बाद घर आके डेकोर का काम होगा। डेकोर के बाद बैम्बी को मुझे नहलाना है, उसके बाद मुझे खुद रेडी होना है। फिर आई गेस तब तक 6:30 आराम से हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम डेकोर में भी टाइम लगेगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि सब कुछ टाइम से अच्छे से हो जाए, क्योंकि मम्मी ने साफ़ सफाइयाँ भी की हैं, थक चुकी हैं ऑलरेडी, और उनको किचन का पूरा संभालना है, मतलब मेन कोर्स खाना वाना सब 10 लोगों के हिसाब से। तो ऑल द बेस्ट टू हर। बाकी हेल्प तो कराऊंगी, बाकी किचन का थोड़ा सा वही है, देखते हैं कैसे क्या रहता है। खाने वाले लंच में बहुत ही यूनिक डिश, मैगी सैंडविच। इस सैंडविच में आपने खीरे देखे होंगे, टमाटर देखे होंगे, आलू देखे होंगे, लेकिन ये है मैगी सैंडविच। ऐसे ट्राई करना आप भी। ये आटा मैगी है बाय द वे, ब्राउन ब्रेड। अब मम्मी खा के दिखाएंगी। मम्मी कह रही है क्योंकि आज काम बहुत था इसलिए यही है चालू उपाय। दूसरा, ब्राउन ब्रेड हेल्दी, आटा मैगी हेल्दी, तो ये हेल्दी है। खुशी से खाओ, खा के देखना। इस पे लिख दो, यहाँ नंबर लिख दो इसके ऊपर ना, बीच में 6 बना दो, 6। इस पे ना वो डाल दो सिल्वर बॉल्स। पहली बैक होम, केक वेक डिस्पोजल सब लेके आके। मम्मी को जाना था पर मम्मी नहीं जा पाई, क्योंकि मामी को कहीं जाना था और बच्चे मम्मी की जिम्मेदारी पे थे। तो फिर मैंने बोला लेट हो जाएगा गुब्बारे लगाने के लिए, मैं जाके लेके आती हूँ। तो अब यही सब है, समझ जाओ, गुब्बारे वुब्बारे लगा के बाद में मिलती हूँ। मुझे ज़्यादा जल्दी खुला इन कंपैरिजन विद मिस पंप गाइस। मेटाले वाले गोल्डन सवाल करें, मुंह से जल्दी खुल रहा है गाइस। लो देखो, मैं आईज में भी चेंग हो रही थी बलून ब्लो करके, मैं टेप ही लाना भूल गई। मैं सोच रही हूँ चिपकेंगे कैसे, अब इन्हें खुला के टेप लेने जाओ। बैंडी तेरा बड्डे 5 मिनट में बलून खुल रहा है इससे। ट्रेडिशनल मेथड्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल।
थोड़ा बहुत डेकोर इज डन, दिखाऊंगी दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी, वीडियोस मैं डेफिनेटली कैप्चर करूंगी, इतनी मेहनत की है मैंने, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, जितना मेरे से हुआ मैंने किया अब एमबी के लिए। अब इसको नहला रही हूँ, इट्स ऑलरेडी 6:30, 7 बजे का सबको टाइम दिया हुआ है और फिर मुझे भी नहाना है, फिर लड्डू गोपाल जी को भी बर्थडे के लिए स्पेशल रेडी करना है, तो बहुत सारे काम है।